आज की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से HDFC बैंक की नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब सर्च करना होगा HDFC बैंक नेट बैंकिंग। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा HDFC बैंक का, और लाल बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा नेट बैंकिंग। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग ऑफिशियल पेज में आ जाएंगे तो आपको आप अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पे ऊपर अंकित करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दी कंटिन्यू वाले बटन, तो उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे नहीं पता होगा, तो आपको एरोस दर्शाया जा रहा है फॉरगॉट पासवर्ड स्लैश IPIN, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको फिर से अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पे अंकित कर देनी है, और फिर आपको नीचे दिखाई दी गो वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ दो तरीके से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एक यहाँ पे मोबाइल नंबर और डेबिट कार्ड के माध्यम से, और दूसरा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से। तो हम यहाँ पे पहला वाले विकल्प के माध्यम से करेंगे। तो आप फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको नीचे दिखाई देगा कैप्चा, तो आपको कैप्चा अंकित करके नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाले बटन, क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपको वही नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है, और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर डेबिट कार्ड नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा जो आपका डेबिट कार्ड नंबर है उसके ऊपर टैप कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ATM कार्ड का यहाँ पे पिन अंकित करना है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद आपको कार्ड की एक्सपायरी अंकित कर देनी है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू IPIN पासवर्ड है जो आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड वो आपको यहाँ पे बनाना है। तो आपको एक पासवर्ड यहाँ पे उदाहरण तौर पे दिखाया जा रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप उसी से संबंधित एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसको कंफर्म करेंगे, और आपको बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा तो आपको उसमें टिक करना होगा जहाँ पे लिखा हुआ आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, फिर उसके नीचे आपको दिखाई दे रही कंफर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज दिखाई देगा, और आपका दिखाई दे रहा है कि जो और पासवर्ड सफलतापूर्वक यहाँ पे चेंज हो गया है। फिर उसके बाद आपको एरोस दर्शाया जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉगिन नाउ, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज में आ जाएंगे तो आपको अपनी कस्टमर आईडी अंकित कर देनी है, फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपने अभी जो IPIN या नया लॉगिन पासवर्ड बनाया था, तो आपको वही पासवर्ड यहाँ पे अंकित कर देना है, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे लॉगिन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आपके सामने अगला पेज खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे सिक्योर गाइडलाइंस दिखाई दे जा रही होंगी, तो आपको क्या करना होगा बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक करके नीचे दिखाई देगी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एक बार कंफर्म करना है, तो एक बार आप पूरी जानकारी जांच लेंगे, फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एरो दर्शाया जा रहा है यस माय ए मेलिंग एड्रेस इज करेक्ट, तो आपको उसको चुनना है, और फिर उसके बाद कंफर्म वाली बटन क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक नेट बैंकिंग पे जो लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम नेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन में सफलतापूर्वक कर दिया, लेकिन अभी हम इसमें फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ फंड ट्रांसफर के लिए यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तब हमें फंड ट्रांसफर कर पाएंगे, मतलब हम तब दूसरे के खाते में पैसे को स्थानांतरित कर पाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस वीडियो को अगले वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम HDFC की नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।